मॉर्निंग क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन में आज हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अपना रिटेन स्किल्स। अपन क्या पढ़ते हैं? लेखन कुशलता। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि लेखन कुशलता क्या होती है। जो अपना सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना लेखन कुशलता, रिटेन स्किल्स। तो अपन सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसे क्या मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो लेखन कुशलता होती है, रिटेन स्किल्स होती है। आपने देखा होगा एक क्लास में बहुत भिन्न भिन्न विद्यार्थी बैठे रहते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सारे स्टूडेंट एक ही मतलब जैसे अपन किसी एग्जाम में जाते हैं है ना, तो अब सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं तो सभी के पास सेम क्वेश्चन पेपर होता है और सेम नोटबुक होती है, वो अपने अपने पेन लेके आते हैं और अपना लिखते हैं। लेकिन उन सारे स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, वो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो उनकी जो सुंदर जो उनकी राइटिंग है वो अलग शो करती है ना। अपन लोग उनकी जो नोटबुक है वो देखते हैं तो अपन भी उनकी तारीफ करते हैं कि कितनी प्यारी राइटिंग है। लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ होता है कि लिख क्या रहा है वो स्टूडेंट, लिख क्या रहा है। जैसे सभी लोग बैठे हैं, सभी को सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया तो सभी लोग लिखेंगे। अब उसकी राइटिंग सुंदर है और वो क्वेश्चन पता नहीं क्या लिख रहा है तो वो स्किल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो अपनी उसकी हैंड राइटिंग हुई ना, वो तो उसका मतलब हैंड राइटिंग उसकी अच्छी है, लेकिन उसको स्किल्स नहीं बोल सकते। अब जिन वो वर्डों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों को वो लिखता है, वो हमारा स्किल्स है। क्या शब्द को प्रयोग कर रहा है, क्या लिख रहा है। जैसे हम किसी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार के वर्डों का प्रयोग करते हैं, क्या हमारे वर्ड सही हैं या नहीं, या सामने वाला हमारी एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद थोड़ी सी उसको खुशी हुई कि नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें अपनी किस में आती हैं, रिटन स्किल्स में आ जाती हैं। क्या लिख रहा है वो, किन वर्ड का प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से लिख रहा है, उसके लिखने का तरीका क्या है, तो ये सब हमारी रिटन स्किल्स में आती है। तो लिखना रिटन तो क्या होता है, उसकी राइटिंग सुंदर थी उसने लिख लिया, तो ये क्या हो गया हमारा रिटन। और स्किल्स क्या हो गया, वो किन वर्डों का प्रयोग कर रहा है, वो हमारा स्किल्स हो गया। अब सबसे पहले अपन कुछ इनके पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इसका है उद्देश्य, मतलब जैसे एक पत्र लिख रहा है अपन, एक मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, पत्र लिख रहा है, पत्र लिखना, तो उन पत्र लिखते समय एक व्यक्ति को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, अपन ये देखते हैं, रिटन स्किल्स इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पत्र लिख रहा है ना, पत्र पहले बात तो ये पत्र लिख रहा है, दूसरी बात उस पत्र में कौन से वर्ड्स को यूज कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे इसका उद्देश्य, उद्देश्य मतलब पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है ना, पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है, या उसको किसी को एप्लीकेशन देनी है, या फिर कभी भाषा बोलना है, या उसको अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई पत्र लिखना है या लेटर लिखना है, जो भी वो लिखता है सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है कि ये क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है। दूसरा होता है उसका श्रोता वस्तु। अब पत्र तो उसने लिख लिया, उद्देश्य भी उसका हो गया, कुछ ना कुछ होगा उद्देश्य, लेकिन अब श्रोता विश्लेषण मतलब सामने आपको सुनकर कैसा लगा, क्या आपको सुनकर उसकी बात लग रही है कि हाँ ये इसने कुछ पॉइंट्स बहुत प्यारे लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, या नहीं लिखे हैं, या बुरे लिखे हैं। तो सुनने वाले को श्रोता विश्लेषण मतलब आप सुनने आपको वो पत्र पढ़ के सुनकर कैसा लग रहा है, तो श्रोता विश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा विचारों का चयन। विचारों का चयन मतलब पहले तो वो विचारों का चयन करेगा कि जैसे उसको कहीं भाषण देना है तो किस प्रकार से वो भाषण देगा, कौन से वर्ड्स वो यूज करेगा, किस तरीके से वो जाएगा, किस तरीके से वो बोलेगा। तो एक बार जो उनका विचार है उसको चॉइस करेगा कि कौन से विचारों में कौन से वर्ड हमें बोलने हैं, तो विचारों का चयन है। नेक्स्ट इसमें संदेशों का व्यवस्थित तैयार करना। संदेशों को व्यवस्थित तैयार करना मतलब जो उसके लेटर्स होते हैं, जो उसके पॉइंट होते हैं, उनको व्यवस्थित रूप से तैयार करना कि पहले हमें ये बोलना है, उसके बाद फिर हम ये बोलेंगे, फिर उसके बाद ये बोलेंगे, ऐसे करके वो अपना पत्र तैयार कर लेगा। तो इसमें है संदेशों को व्यवस्थित तैयार करना। नेक्स्ट है हमारा प्रथम प्रारूप लेखन करना। प्रथम प्रारूप का मतलब होता है
सपने से सामने वाले को सुनने के बाद कैसा प्रतीत हो रहा है, फिर विचारों का चयन मतलब कौन से विचारों को चॉइस कर रहा है वो, संदेशों को व्यवस्थित तैयार करना कौन से संदेश कहाँ पहुँचाना है, किसको किसके बाद बोलना है तो वो तैयार करना। नेक्स्ट है प्रथम हाँ ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट बनाना मतलब पहले हम रफ बना लेते हैं उसके बाद हम फेयर काम करते हैं संशोधन, रफ बनाने के बाद जो भी सुधार होता है उसको संशोधन कहते हैं, एडिटिंग रफ बनाने के बाद संशोधन हो गया उसके बाद हमारा लेटर तैयार हो गया, अब उसमें भी कुछ एडिटिंग हो सकती है। तो ये क्या था हमारा लिखने का तरीका। तो साथ ही आप लोग ये नोट भी करते जाइए और अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए। दूसरी बात, आप लोगों ने जो भी परीक्षा फॉर्म में क्वेश्चन पेपर टिक किए हैं, जो भी टिक किए हैं क्वेश्चन पेपर, उन क्वेश्चन पेपर का आप मॉडल खरीद लीजिए। मॉडल खरीदने के बाद साथ में आप लोग उसकी भी पढ़ाई करते जाइए, क्योंकि देखो पेपर होना है, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपने टिक किए हैं सबके एग्जाम होने हैं, तो आप लोग मॉडल लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं।